हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो कल मैं यहाँ पर सागर दिघी में आ गई हूँ और कल हम रात को बहुत देरी तक पहुँचे थे। हम यहाँ पर पहुँचे थे 10:45 बज गया था हमें यहाँ पर पहुँचते हुए, और हम घर से निकले थे 12:30 बजे। और इस बार हम आई हेड बाई ट्रेन, तो बहुत मुश्किल पड़ी क्योंकि कल हमारा एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया। यानी कि जब हम मतलब कि हमें बांकुड़ा से दुर्गापुर जाने के लिए बाय बस हम गए थे, तो जिस बस में हम चढ़े थे उसका एक लॉरी के साथ एक्सीडेंट हो गया। तो किसी पैसेंजर को कोई तकलीफ नहीं हुई, मतलब चोट नहीं आई, बस का मतलब कि ड्राइवर के पास वाली जो जगह पे थोड़े बहुत लोग बैठे थे उनको थोड़ी बहुत खरोची आई है और कांच वाच टूट गए, पुलिस आई, मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया था वहाँ पर। तो हमने क्या किया, उस बस में हम चढ़े थे और देन हम उस बस से उतर कर हम दूसरे बस में चले गए। तो बस इतना सा ही थोड़ा बहुत इंसिडेंट मतलब हो गया था जो हमने अनएक्सपेक्टेड था, तो बहुत ही डर गए थे हम, पता नहीं क्या हो गया। मतलब अचानक से, मतलब बस वाले की भी गलती है क्योंकि लॉरी जा रही थी आगे, ट्रक आगे जा रही थी और बस उसे बाईपा मतलब ओवरटेक करने लगी, तो सामने से और एक गाड़ी आ गई। तो मतलब इस टाइप से कुछ एक इंसिडेंट हो गया, मतलब इतनी क्विकली हुआ ना। तो हम खिड़की मैं और श्री खिड़की की साइड को बैठे हुए थे, तो मतलब आंखों के सामने एक ऐसा इंसिडेंट हो गया मैं बता नहीं सकती। तो चलो भगवान की कृपा से ज़्यादा कुछ कुछ चोट वोट ज़्यादा किसी को नहीं आई है, थोड़ी बहुत हल्की हल्की चोट आई है बट हमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम पीछे की साइड को थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगी। अगर हम भी ड्राइवर के पास वाली जगह पे बैठे होते तो हो सकता था कांच टूट के हमारे भी जगह पे कहीं लग सकती थी बॉडी में। तो इतना सा एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया और उसके बाद थोड़े से लेट हो गए थे और हमें दूसरी ट्रेन मिली। हम फर्स्ट ट्रेन हम मिस हो गई थी क्योंकि थोड़ी सी देरी हो गई थी, उसके बाद दूसरी ट्रेन में हम आए तो हमें 10:45 बज गया हमें यहाँ पे आते हुए। तो आज का मॉर्निंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पे। मतलब यहाँ का वेदर ऐसा है कि कल रात को जब हम पहुँच रहे थे तो बहुत ठंडी लग रही थी क्योंकि ट्रेन में थे, तो ट्रेन में हवा लग रही थी, और उसके बाद हम जब आए मतलब यहाँ पे पहुँचे तो ठंड था क्योंकि बांकुड़ा में इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ी बहुत ठंडी है बांकुड़ा के कंपैरिजन, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं जा रही है। तो बहुत जगह स्टेटों में भी मेरे फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बता रहे कि उनके वहाँ पे भी ठंडी जा रही है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है। और जो नॉर्थ के साइड को रहते हैं, इंडिया के नॉर्थ के साइड को, वहाँ पर ठंड है क्योंकि वहाँ पे ठंड तो अप्रैल तक तो रहती है, बट यहाँ हमारा जो इस टाइप का हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर तो ठंड बस दिसंबर के लास्ट में पड़ी थी ठंड थोड़ी सी, और जनवरी के ये लास्ट में ही ख़त्म होने वाली है, इस टाइप का हो गया है वेदर। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और आज है 27 जनवरी। तो कल मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कल घर का सारा काम कर रही थी और घर को तो साफ़ सफाई किया मैंने, और हम एक हफ्ते के लिए नहीं थे तो थोड़ा बहुत घर डस्ट सा हो गया था, और श्री मैं मतलब कि बहुत टायर्ड भी थे क्योंकि हम रात को आए थे और अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए हम नहीं गए ग्राउंड में और मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। तो मैंने कल का पूरा दिन रेस्ट में रख दिया और आज सुबह से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और आज सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, पूरा फॉगी था वेदर, और अभी थोड़ी देर पहले ही धूप निकली है, जैसे कि मैं दिखाऊं तो अभी थोड़ी हल्की हल्की धूप निकली है, बट बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो अभी मतलब कि यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे ठंड अभी गई नहीं है, जाएगी भी नहीं, पता नहीं कैसा वेदर है ठंडा सा। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है, तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया था वेजिटेबल देख के, तो जितने भी वेजिटेबल हैं जैसे मैंने गाजर दिया था, बीन्स दिया था, मटर दिया था, और ये सब मिल के, और मैंने रात को मैंने कुछ चने, काले चने भिगो के रखे थे, उसे बॉईल करके मैंने उसमें दिया था। तो बहुत हेल्दी डाइटिंग, अगर आप डाइटिंग कर रहे हो और आप हेल्दी खाना खिलाना चाहते हो अपने बच्चों को या खुद खाना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं रिसेंटली कुछ दिनों से कुछ ऐसा ही करने की प्लानिंग कर रही हूँ कि मतलब खाने में कुछ वैरायटी लाऊंगी और जो हेल्दी रहेगा हेल्थ के लिए वही मैं खाना पसंद करूंगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने कुछ चाट इसी टाइप से मैंने बना रखा है जो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो आज सुबह मैंने यही लिया है, उपमा लिया है, वेजिटेबल देखिए उपमा, जो बहुत ही यम्मी था और मुझे बहुत पसंद आया, और मैंने अपनी बेटी को भी वही खिलाया तो उसे भी पसंद आया है, बट वो क्या कर रही थी, गाजर को नहीं खा रही थी, उसे गाजर पसंद ही नहीं आ रहा था, बट बाद बाकी उसने खाया है। तो थोड़ा बहुत बच्चे अगर ऐसे खा ले तो उनके पास मतलब जो भरपूर मात्रा में विटामिंस, मिनरल्स, प्रोटीन जो भी रहता है फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में, वो सब अंदर बॉडी में जाता है जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि
मतलब कि अपने चॉइस का ही खाते रहते हैं, कभी उन्हें ये पसंद होता है, कभी वो पसंद होता है, वो हमेशा ठीक ठाक खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस टाइप से कुछ वैरायटी अगर लेके आया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो उसी टाइप की कुछ कोशिश की है। तो अभी मैं लंच बनाऊंगी, तो लंच में आज का मेनू भी कुछ हेल्दी टाइप का रहेगा, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। मैं घर गई थी तो मैंने हेयर में एक हेयर पैक लगाया था, बट मैंने ऑयलिंग नहीं किया था, तो आज मैं ऑयलिंग करूंगी। तो ऑयलिंग मैं वीकली 2 टाइम्स करती हूँ, तो वैसे तो मैं ऑयलिंग गर्मियों में 3 टाइम्स करती हूँ, बट अभी सर्दियाँ हैं तो बार बार ऑयलिंग करने से ठंड सी लगती है, इसीलिए मैं वीकली 2 बार कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा है। तो इस बार मैं अपने जो वुडन कोम है जो मैं लेके आई हूँ घर से, तो मैं उस वुडन कोम से बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये बहुत अच्छे से सर की मसाज करता है और बहुत अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। अगर हो सके तो आप भी कोई वुड का यूज करें। तो आपने नोटिस किया होगा कि मतलब हमारे दादा दादी दादी नानी ये सब क्या करते थे, ये सब चीजें यूज करते थे, इसलिए उनके नेचुरली बहुत अच्छे हेयर हुआ करते थे। और आजकल का इतना फैशन का जमाना है कि मतलब हम सब तो ये पुरानी चीजें भूल गए और ये सब चीजें बहुत कॉस्टली भी हो चुकी है। तो मैंने जब अपनी नानी और दादी को बोला कि मैंने वुडन का कोम खरीदा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे ज़माने में भी ऐसा होता था, हम तो खुद ही हमारे घर के आंखों के सामने बना दिया जाता था। तो इस टाइप से वो भी यूज़ किया करते थे। तो मैं आपको जब मैं इस बार अपने मामा घर जाऊँगी तो मैं आपको अपनी नानी नानी नाना जी इन सबसे मिलाऊँगी, अपने दादी से भी मिलाऊँगी। तो मेरे दादाजी नहीं हैं, वो गुजर चुके हैं 2013 में, बट मेरी दादी है, तो मैं उन सबसे आप सबको ज़रूर मिलाऊँगी, आपको अच्छा लगेगा, वो सब बहुत नॉलेज वाली बातें करते हैं, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं उनसे भी आप सबको मिलाऊंगी। तो अभी फिलहाल मैं करने वाली हूँ इस कोम से अपनी कोमिंग और देन ऑयल मसाज करूंगी। तो वैसे भी मैंने बता रखा है जब भी कोई भी ऑयलिंग किया जाए तो ऑयलिंग करने से पहले आपको अपने हेयर को डिटेंगल करना पड़ता है, जिससे कि अच्छे से ऑयल जब हम ऑयल लगाए तो आपके हाथों में बाल ना फंसे, और साथ ही साथ अच्छे से ऑयल आपके रूट्स में अपने स्कैल्प के अंदर अब्जर्व हो, तो ये करना चाहिए। तो मैंने इस बार क्या किया है, 3 से 4 तेलों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और देन मैंने उसे थोड़ा सा गर्म कर दिया है। तो गर्म करने के लिए मैंने डबल बॉयलर का यूज़ किया है, एक बहुत पतीले में पानी को गर्म किया है, देन मैंने उसमें जो तेल मिक्स कर रखा था उसे रख दिया है जिससे कि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, देन मैं इसे अप्लाई करूंगी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, कोई भी तेल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही तेल आप यूज़ करें, आप अपने मनपसंद कोई भी 2 से 3 तेल मिक्स कीजिए, वाइटामिन ई की कैप्सूल मिक्स कीजिए एंड देन लगा लीजिए, और इसे 1 घंटा 2 घंटा मिनिमम मिनिमम आप कोशिश कीजिए 2 घंटा ऑयलिंग को रखने के लिए, देन आप शैम्पू एंड कंडीशन कर सकते हैं। तो मैं भी अभी ऐसे करने वाली हूँ, 2 घंटे रखूंगी एंड देन मैं शैम्पू एंड कंडीशन करूंगी। तो चलो काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पतीला लिया, उसमें थोड़ा सा पानी गर्म किया है, देन मैंने अपने ऑयल को एक दूसरे कंटेनर में मिक्स किया है, देन इसे डबल बॉयलर की हेल्प से गर्म कर लिया। तो मेरा ऑयल गर्म हो चुका है जो सर के अप्लाई करने के लिए इनफ है। तो इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है कि स्कैल्प लगाते ही स्कैल्प जल जाए, तो ऐसा गर्म होना चाहिए जिससे कि लगाने में भी सुविधा हो। तो मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं इसे अप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स मैंने जस्ट अभी ऑयलिंग कर लिया है और अभी मैं इसे ऐसे ही 2 घंटे छोड़ दूंगी। आप चाहे तो गर्म पानी में टॉवल भिगो कर भी सर पे रख सकते हैं, बट मैं ऐसे स्टीम नहीं लूँगी, बस अभी अभी मैंने जस्ट नॉर्मल ऑयलिंग किया है और मैं अभी उसके बाद घर का काम कर लूँगी, बाद बाकी इनको लंच के लिए जो काटना है सब्जी बनानी है बनाऊँगी, और अभी मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धोना है तो उसे भी मैं धोऊँगी, और बस ये छोटे मोटे थोड़े से काम कर लूँगी, उतनी देर तो ऑयलिंग रहेगा, उसके बाद मैं शाल लूंगी। तो फ्रेंड्स आज के लंच में मैं बना रही हूँ सुखतो, और साथ में मूली का जो साग होता है, मूली का साग, उसकी मूली का साग बना रही हूँ, और मैं तिल का बड़ा बना रही हूँ, और मूंग और मसूर दाल को, दोनों दालों को मिक्स करके दाल बना रही हूँ, और राइस रहेगा, और सैलेड एज यूजल सैलेड हमेशा ही रहता है हमारे लंच में, तो सैलेड रहेगा। तो आज का लंच यही रहे आज का मेनू, तो बहुत ही सिंपल के अंदर है और बहुत अति हेल्दी है।
तो फ्रेंड्स हमारा लंच हो चुका है और अभी मैं जाऊंगी बाहर बाल सुखाने के लिए। और श्री को मैंने हल्के हल्के बाल सूख चुके हैं, हल्के से सूख चुके हैं, बट थोड़े बहुत अंदर इनर साइड को बाल सूखे नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा धूप में थोड़ी बहुत धूप है तो मैं सुखा लूँगी। और मैंने श्री के बाल कटवा दिए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ श्री कैसी लग रही है बाल काट कर, क्योंकि उसके बहुत लंबे बाल हो गए थे और वो मतलब क्या हो रहा था कि जब मतलब कि इस स्वेटर वेटर पहनाने के बाद उसे गर्मी अगर लग जा रही थी तो उसके बाल भीग जा रहे थे, और उसे सुखाते वक्त उसे अगर ठंडी लग जाए इस चक्कर पे, क्योंकि उसे ठंडी ऑलरेडी थोड़ी बहुत लग चुकी है, तो वो अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो इसीलिए उसके बाल कटवा दिए। तो मैं दिखाती हूँ, मेरे पास ही बैठी हुई है, कार्टून देख रही है, तो मैं दिखाती हूँ कि वो कैसी लग रही है। श्री देखा तो तुम्हारा चूल कैमन कटे छे, हाय करो दाओ, हाय दादा। तो ये रही श्री, उसने अपने बाल ये देखिए ठंडी उसे लग गई है और इसलिए उसके बाल थोड़े बहुत कटवा दिए हैं। दिखाओ ना सोना, देखूंगा। तो अभी हम बाहर निकले हैं, साथ में मेरे बाल भी सूखेंगे और मैं एक जगह जा रही हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं ऑफिसर्स क्लब में, तो ये क्लब नया बना है इसीलिए मैं यहाँ पर आप सबको दिखाने के लिए लेके आई हूँ। तो हमारे प्रोग्राम पहले दूसरे क्लब में हुआ करते थे बट अब से इस क्लब में होगा, तो मैं आपको अंदर का व्यू भी दिखाऊंगी। तो क्लब बाहर से कुछ इस टाइप से दिखता है, तो अभी भी काम पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, तब भी थोड़ा बहुत चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं उस साइड को, वहाँ पर काम चल रहा है। तो अंदर से बहुत सा कंप्लीट हो चुका है, उसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है, इसीलिए मुझे लगा चलो आपको अंदर से दिखा दूँ कि क्लब कैसा दिखता है। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही जाऊँगी अंदर, तो आप भी मेरे साथ ही जाओगे। तो हम इस गेट से एंट्री किया है हमने, और जैसा कि आप देख सकते हो ये है कम्युनिटी हॉल, तो मैं आपको कम्युनिटी हॉल के अंदर पहले लेके चलती हूँ। तो बहुत ही ह्यूज हॉल है, तो ये कोर्ट है बैडमिंटन कोर्ट। और इस साइड को भी आप देख सकते हैं, तीन रूम हैं, तो उसमें से जो ये वाला जो लास्ट वाला रूम देख रहे हैं ये टेलीविज़न रूम है, और बाद बाकी जो रूम है वो टेलीविज़न रूम ही इतना बड़ा है जिसके दो डोर एक्स्ट्रा है। और इस साइड को दो टॉयलेट है बस, और ये वाला एंट्रेंस का पैसेज है। तो चलो अब हम ऊपर चलते हैं। तो
तो हम ऊपर आ चुके हैं, तो ये फर्स्ट फ्लोर है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एज़ यूजल बहुत सारे रूम हैं। तो जो मेरे पीछे की साइड को जो आप रूम देख सकते हैं, ये है लाइब्रेरी, जैसे कि यहाँ पर मेंशन कर रखा है लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम, और ये लाइब्रेरी है। और इस साइड को आप देख सकते हैं, ये दोनों टॉयलेट है, और इस साइड को आप देख सकते हैं कॉन्फ्रेंस रूम है, ये वो है मेंबर्स का रूम। और आपको सब अच्छे से जूम करके दिखाती हूँ, तो ये है कॉन्फ्रेंस रूम, ये है मेंबर्स रूम, ये है जनरल सेक्रेटरी रूम, ये वाला है लेडीज एंड किड्स रूम, ये है एंट्रेंस, दो दरवाजे हैं किड्स रूम में जाने के, एक इधर से और एक जो लेडीज, एक इधर से जाने का भी है और एक इधर से भी जाने का है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ मेंबर्स के रूम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड मेंबर्स ओनली, तो चलो अंदर चलते हैं, तो हम तो मेंबर ही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ह्यूज टेबल है, तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कुछ होगा तो इसलिए वहाँ पे बैठने के लिए होगा, तो इस टाइप का है, तो रूम ठीक ही है। और इस साइड को आप देख सकते हैं, इस साइड को टेरेस है, मैं आपको टेरेस में भी लेके जाऊंगी। तो सबसे पहले चलो चलते हैं किड्स रूम में, तो किड्स रूम चलते हैं, तो ये है किड्स रूम, तो चलो किड्स रूम में एंट्री करते हैं। तो वाओ कितना ब्यूटीफुल है कलरफुल किड्स रूम। तो ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये लेडीज़ रूम के अंदर से घुसने का भी दरवाज़ा है। तो ये रहा किड्स रूम, तो अभी फुल्ली डेकोरेट नहीं किया हुआ है, थोड़ा बहुत ही किया है, अभी भी काम चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया वर्किंग इज इन प्रोग्रेस। इस साइड को आप देख सकते हैं टेबल टेरेस, और यहाँ चेयर्स रख, आप बाहर जा सकते हैं टेरेस रूम में, टेरेस में आप जा सकते हैं, इस साइड को भी हम टेरेस में जा सकते हैं। तो देखते हैं, ये दरवाज़ा खुला है टेरेस में जाने के लिए, तो यस दरवाज़ा खुला हुआ है टेरेस में जाने के लिए, और हम पहुंच चुके हैं बाहर। तो आप मुझे यहाँ पर भी देख सकते हैं मिरर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे, तो मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी देख लीजिए मुझे। तो वो धूप यहाँ पे अच्छी लग रही है, लाइट, और श्री इंजॉय कर रही है, तो श्री ये रही इंजॉय कर रही, श्री हेलो बोलो। तो अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर में, तो सेम ही है, चलो चलते हैं, अभी भी काम चल रहा है, आप जैसे देख सकते हैं पीछे काम चल रहा है अभी भी। तो सेकंड फ्लोर मीन्स यहाँ पे छत है, तो चलो छत देख लेते हैं। इधर सोलर ना कि ओ, तो छत इधर सोलर, आपको बैक करके दिखा, तो छत में आप देख सकते हैं ये सब है सोलर पैनल। तो इस साइड को भी एज इट इज सेम देख सकते हैं, और पीछे की साइड को आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग है वहां पर हम रहते हैं, ये सारे की सारी बिल्डिंग्स है, और ये तो ये बेसिकली सी टाइप का ऑफिसर्स क्लब है, और
अच्छा लगा। चलो बहुत दिन मैंने इसको बिल्कुल बनते हुए देखा है, मतलब ये पूरा खाली प्लॉट था और बिल्कुल मैंने बनते हुए इसे देखा है, और अभी भी काम बहुत सा बाकी है, करना है। तो लेडीज़ रूम नहीं खुला है, नहीं तो आपको लेडीज़ रूम के अंदर लेके जाती। तो अब जब ये चालू हो जाएगा अच्छे से, जब सब लेडीज़ आके गॉसिप्स करेंगे बैठेंगे, तो मैं आपको ज़रूर लेडीज़ रूम में लेके जाऊंगी। तो अब मैं आपको इसके बैक साइड को दिखाती हूँ कि कैसा है। तो पीछे का, पीछे आप उस साइड को आप देख सकते हैं, प्लांट दिख रहा है, और इस साइड को ग्राउंड है जहाँ पे स्पोर्ट्स होता है। 26 जनवरी का स्पोर्ट्स यहीं पे हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वो रहा प्लांट, पावर प्लांट, और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये है 26 जनवरी का ग्राउंड। यहाँ पर ये ग्राउंड में ही स्पोर्ट्स होता है, और साथ ही साथ इस ग्राउंड के बाहर है खेतों की ज़मीन। तो जो गांव के खेतों के लोग, किसान लोग खेती करते हैं, वो वाली ज़मीन है। बहुत ही प्यारा व्यू है, आपको भी अच्छा लगेगा देख के। सरसों के खेत लगे हुए हैं वहाँ पर, ये देखिए कितना कूम हो रहा है। तो सरसों के खेत, तो अब हम जा रहे हैं नीचे। चलो अभी हम क्लब के बैक साइड को आए हैं। बैक साइड से होते हुए हम जा रहे हैं पुखुरपाड़, यानी कि यहाँ पर जो जितने भी लोग जिनको स्विमिंग नहीं आती है, तो वो यहीं पर तालाब है एक छोटा सा, उस तालाब में स्विमिंग सीखते हैं। तो वहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड ने भी लास्ट ईयर ही सीखा है स्विमिंग, और वो अभी बहुत अच्छे हो गए स्विमिंग में। तो मैं वहीं पे आपको लेके चलती हूँ। तो रास्ता बड़ा ख़राब है क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन, मैंने जैसे आपको बताया ठीक से नहीं बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ को चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है चारों तरफ को, तो थोड़ा बहुत रास्ता है, वहीं से हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं टाइल्स रखे हुए हैं, ये देखो टाइल्स, ये सब काम अभी चलेगा, लगेंगे, बहुत सारा काम इनकम्प्लीट है। तो चलो अब हम, हाँ तो ये रहा पूल। तो यहाँ पर सभी स्विमिंग सीखते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल पूल पूरा भरा पड़ा है पानी से, और यहाँ पर अब ठंडियाँ हैं चल रही है, इसलिए यहाँ पर कोई स्विमिंग अभी नहीं सीख रहा है। और जब गर्मियाँ पड़ जाएगी, जब यहाँ पर गर्मी पड़ जाएगी तो चारों तरफ को स्विमिंग सीखने के लिए यहाँ भीड़ लग जाती है। मतलब आपके चारों तरफ को जो किनारे हैं, जहाँ पे जैसे कि इस साइड को है उतरने का रास्ता, उस साइड को उतरने का रास्ता है, उस बैक साइड को आप देख सकते हो ते है उतरने का रास्ता है उस साइड से, तो हम उसी साइड से आते हैं क्योंकि उस साइड को प्रॉपर यहाँ पर पहुँचने का रास्ता है। और ये रही, कितने अच्छे से सजा रखा है, पेड़ लगा रखे है चारों तरफ को, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल है। मेरे कैमरे में कितना कैप्चर कर रहा है वो मैं आपको दिखा दूँ। तो ये रहा उतरने का रास्ता, मैं आपको दिखाऊँ, ये रहा अच्छे से दिखा दूँ, बोलो तो ये रहा, यहाँ से आप उतर सकते हैं नीचे, और देन यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा सुंदर सा व्यू है।
तो हम थे उस साइड को, तो वहां से घूमते हुए हम पहुंचे हैं यहाँ पर। तो ये गोल सा है और ये देखिए, और यहाँ से मेन रास्ता भी है, तो यहाँ से हम जा सकते हैं। और वहां हमारा क्वार्टर है उस साइड को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिसर्स क्लब जो लिखा हुआ है, पहले वहां पर ऑफिसर्स क्लब हुआ करता था, तो अब वो होके वो बड़ी सी बिल्डिंग हो चुकी है जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो हम अपने रिटर्न घर आ चुके हैं, तो हमारा दरवाजा भी खुल चुका है। होप आपने एंजॉय किया होगा मेरे कैंपस के बाहर का दो जो मैंने जगह दिखाई वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय कोदा। बाय 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 बाय।